हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। पाकिस्तान में नहीं होगी वीरे दी वेडिंग। पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म में अभद्र भाषा और आपत्तिजनक बोल डायलॉग का प्रयोग किया गया है, इस कारण से इसे बैन किया जा रहा है। चाचा बने वरुण धवन। वरुण धवन की भाभी जानवी देसाई धवन मां बन गई हैं। उनके भाई रोहित धवन और भाभी जानवी लंबे टाइम से पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेटी के जन्म से पूरी धवन फैमिली बेहद खुश है। डेट कर रही है प्रियंका। प्रियंका वीडियो में अमेरिका के मशहूर डॉजर्स स्टेडियम में निक के साथ बेसबॉल मैच देखते हुए नजर आ रही है। मैच के बाद प्रियंका और निक एक बोट पर भी पार्टी करते हुए नजर आए और तस्वीरों में निक और प्रियंका काफी करीब नजर आ रहे हैं। प्रियंका से नाराज मम्मी। प्रियंका की मां ने कहा, मैं एक विदेशी के साथ प्रियंका की जोड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मधु चोपड़ा ने कहा, अगर पति पत्नी एक ही कल्चर के हो तो शादीशुदा जिंदगी आसानी से कट जाती है। माँ बेटी के रिश्ते की कहानी। मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव शो की खासियत है मरियम और उसकी माँ के बीच का अनूठा रिश्ता। मरियम की माँ रुखसार अपनी बेटी को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसके साथ सख्ती करती है। नीति शास्त्र में तापसी बनू। तापसी पन्नू शॉर्ट फिल्म नीति शास्त्र में दिखाई देंगी। उनका कहना है कि उन्हें कहानी सुनाना और बेहतरीन कहानियों का हिस्सा बनना पसंद है और इसी के चलते उन्होंने इस फिल्म के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। वरुण धवन की क्लोथिंग लाइन। वरुण धवन ने खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च की है जिसका नाम है धवन एंड ओनली। टी शर्ट पर लिखे हुए स्लोगन्स बहुत ही सिंपल है जो आज के नौजवानों को आसानी से आकर्षित करेंगे। सलमान ने किया नए टैलेंट को लॉन्च। सलमान जिसे लॉन्च करने जा रहे हैं उनका नाम जहीर इकबाल है। जहीर इकबाल की फिल्म का टाइटल नहीं रखा गया है। इस फिल्म को सलमान खान फिल्म्स, मुराद खेतानी और अश्विन वर्दे प्रोड्यूस करेंगे जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर नितिन कक्कड़ होंगे। वो स्टार्स जिनकी फिल्में नहीं हुई फ्लॉप। वरुण धवन को फिल्मी दुनिया में एंट्री लिए हुए कोई ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और उनकी सारी की सारी फिल्में हिट रही हैं। साउथ फिल्मों के अल्लू अर्जुन की हर फिल्म रिकॉर्ड तोड़ती है। संजू का ट्रेलर लॉन्च। मुंबई के जुहू में फिल्म संजू के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म की तमाम स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मौजूद थे। सबने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। क्रिकेटर को डेट कर रही है निधि। निधि अग्रवाल पंजाब किंग्स 11 के स्टार परफॉर्मर केएल राहुल को डेट कर रही है। निधि अग्रवाल को केएल राहुल डेट पर ले गए थे। निधि क्रॉप टॉप और रिप जींस में नजर आई, वहीं केएल राहुल सफेद टी शर्ट और जींस में नजर आए। झूठ ना बोलने की पार्टी। सब टीवी के शो सजन रे फिर झूठ मत बोलो में जश्न मनाया जा रहा है। शो को चलते हुए एक साल पूरा हो गया है। सभी कलाकार शो की पहली सालगिरह मनाते हुए नजर आए। रिंग में उतरेंगी राखी सावंत। हिमाचल प्रदेश के मंडी और सोलन में WWE के तहत रेसलिंग मुकाबले होंगे। इनमें जहां रिंग में बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत भी उतरेगी, वहीं उनके साथ साथ कुल 15 मेल फीमेल रेसलर धमाल मचाएंगे। कोर्ट जाएंगी यामी। यामी बत्ती गुल मीटर चालू में बिजली की समस्या के लिए आवाज उठाते हुए नजर आएंगी। इसके लिए यामी कोर्ट में चल रहे ऐसे केस पर कार्यवाही होते देखेंगी। फिल्म डू वी बिलोंग। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे नस्लीय हमलों से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म खासी चर्चा बटोर रही है। इस फिल्म का नाम है डू वी बिलोंग और इसके निर्माता है पुलकित दत्ता। गुजराती फिल्म में जूही। कई भाषाओं में काम कर चुकी जूही चावला अब गुजराती फिल्म में काम करेंगी। ये मराठी फिल्म वेंटिलेटर का रीमेक है। जूही फिल्म में एक डॉक्टर का किरदार निभाएंगी। वीरे दी वेडिंग के बारे में जानते हैं खुशबू से। डायरेक्टर शशांक घोष की वीरे दी वेडिंग की कहानी चार दोस्तों के बारे में है जिसमें से एक दोस्त करीना कपूर खान एके कालिंदी अपने बॉयफ्रेंड सुमित व्यास एके ऋषभ से शादी करने वाली है जिसको लेके वो काफी कंफ्यूज्ड और अनश्योर है। मूवी में सभी की एक्टिंग अच्छी है लेकिन स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया की एक्टिंग और डायलॉग्स गजब के हैं। तारीफा वीरे और ला शर्म जैसे गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। फिल्म फेस्टिवल में कुंडली। शॉर्ट फिल्म कुंडली में अनुराधा पांडे मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उनके साथ लीड रोल में वसीम आलम है। फिल्म शादी से पहले कुंडली मिलाने की प्रथा पर फोकस करती है। फिल्म के प्रॉप राइटर निक्षय मौर्य हैं। टीवी एक्टर ने चलाया ऑटो रिक्शा। सोनी टीवी के शो ये उन दिनों की बात है में समीर की भूमिका निभाने वाले रणदीप रॉय ने सेट पर एक ऑटो रिक्शा चलाने में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की। मीनाक्षी लेखी ने किया बुजुर्गों का सम्मान।
सांसद मीनाक्षी लेखी ने बुजुर्गों के लिए खास संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए पुराने गानों की महफिल सजाई गई, जिसमें सभी ने इसका लुत्फ उठाया। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।